बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर डे, अनदर स्पेशल व्लॉग। आज का व्लॉग मेरी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है। आज हम लोग बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर में व्लॉगिंग कंपटीशन के लिए जा रहे हैं और डिफरेंट वहाँ पर कॉम्पिटिशन होंगे और अभी हम लाहौर के लिए निकलने लगे हैं। मैं अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से जा रहा हूँ और मेरे साथ ये फुरकान है जा रहा है और अब हम जो है यहाँ से निकलने लगे हैं और आपको हम वहाँ पर चल के दिखाएँगे कि वहाँ पर हम क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं और वहाँ पर क्या क्या करने। ये हमारा होटल है गाइस, जी। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग अपने होटल में आ गए हैं और सियालकोट से हम निकले थे और अब हम यहाँ पे इसका क्या नाम है, पकीज़ा होटल है, रॉयल पकीज़ा होटल है, यहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं। अब यहाँ से हम फ्रेश होंगे और फिर इसके बाद हम सीधा BNU चले जाएंगे। आज वहाँ पे काफ़ी कॉम्पिटिशन हैं, उनको मैं कवर करूँगा और आपको दिखाऊँगा। फिर एक लास्ट व्लॉग बनाऊँगा जो मैंने BNU में सबमिट करवाना है, तो फिर मैं आपको वो भी दिखाऊँगा। तो अभी हम रेडी होने लगे हैं। ये हमारा रूम है, यह रूम चेक कर लें हम। ये दो बेड्स हैं, इस पर एक पे मैं होगा, एक पे फुरकान होगा और ये छोटा सा ये सामने एक अलमारी है, ये डोर है, ये दरवाज़ा उन्होंने बंद किया हुआ है, पता नहीं किसके लिए है। ये सामने LCD है, ये वॉशरूम है, ये मिरर है, ये AC है और ये जो है ना हमारा बाहर का व्यू है। यो गाइस, हमारा ड्रेसिंग टेबल रेडी हो गया। वाओ वाओ, दो ही साल, क्या कितना सुंदर लग रहा है और इसको भी हम अंदर जाके सेट करने लगे हैं। जी तो फ्रेंड्स, फाइनली हम लोग जो है बीकन हाउस यूनिवर्सिटी पहुँच चुके हैं। ये आप मेरे पीछे रश देख सकते हैं, चलो आइयो। ये मेरे पीछे रश आप जितना भी देख रहे हैं, ये सारे वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एडमिशन्स लिए हुए हैं। यहाँ से इनके पासिस बनते हैं और पास बनने के बाद ये लोग हमें एंट्रेंस देते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर। सो ये मेरा पास है, ये हमें मिला है। तीनों दिन हमने ये पास यूज़ करना है और 3 दिन इस पास पर स्टैम्प लगेगी और फिर हम यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर हो पाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, फिर आपको अंदर चल के यूनिवर्सिटी के शशकर करते हैं। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी एंट्री हो रही है और इन्होंने मेरा आईडी कार्ड मुझसे लिया है और मेरा ईमेल की वो कोड एक हमें आया था ईमेल के थ्रू, तो ये वहाँ से हमारा भी एंट्री पास बन रहा है। 3 दिन ये हमारा एंट्री पास यूज़ होगा। ये अभी हम यूनिवर्सिटी के बाहर हैं, पहले ये हमारा ये पास बनेगा, उसके बाद हम यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर होंगे। ये आपका 770। सो ये मेरा पास है, ये हमें मिला है। 3 दिन हमने ये पास यूज़ करना है और 3 दिन इस पास पर स्टैम्प लगेगी और फिर हम यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर हो पाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, फिर आपको अंदर चल के यूनिवर्सिटी के शशकर करते हैं। तो गाइस, जी हम मेन जो इनके एंट्रेंस है वहाँ पर पहुँच चुके हैं, अब यहाँ से हम यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर होंगे। जी तो गाइस, सारा कुछ होने के बाद एक और स्टैम्प रह गई थी, वो भी हमारी भी लगी है इसके पीछे, फेस्टिवल 1 की वो स्टैम्प थी। तो अब हम सारा कुछ होने के बाद अब हम यूनिवर्सिटी के अंदर प्रॉपरली हम एंटर हो रहे हैं और रश तो काफ़ी है यहाँ पर। यूनिवर्सिटी बहुत बढ़िया ना, हमारी यूनिवर्सिटी इतनी छोटी यूनिवर्सिटी नहीं है। तो अभी चल के आगे देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, आपको सारा कुछ दिखाते हैं। जी तो गाइस, सामने जो है बास्केटबॉल खेला जा रहा है और ये फुटबॉल ग्राउंड है, यहाँ पे फुटबॉल प्रैक्टिस हो रही है और यहाँ पे प्रॉपर बास्केटबॉल ये लोग खेल रहे हैं। गाइस, यहाँ पे तैयारियाँ पूरी इनकी चल रही हैं और ये स्टूडेंट्स सारे मिलके जो है ना यहाँ पे काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छी जो है ना इनकी टीम है, ये सारे हेड वगैरह इस चीज़ को। कलम हर गम को अपने दिल में किया सौद। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पे
नेस्कैफे वालों ने यहाँ पर अपना स्टॉल लगाया और इन्होंने इसको स्पॉन्सर किया और यहाँ पर उन्होंने कम्फर्ट जो है सोफ़ाज लगाए हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना ये सबको ये अपनी कॉफ़ी दे रहे हैं। थैंक यू नेस्कैफे। रेडी गो। थोड़ी देर के बाद जो है बैंड जो है वो अपनी परफॉर्मेंस स्टार्ट कर देगा। अब हम ग्राउंड के अंदर जाने लगे हैं और आपको चल के दिखाते हैं कि बैंड जो है वो क्या अपनी परफॉर्मेंस करता है। इस टाइम वो प्रिपेयरिंग कर रहे हैं, अपने सारे इक्विपमेंट अपने प्रिपेयर कर रहे हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ये बैंड परफॉर्मेंस है, इसके बाद जो है सूफी नाइट स्टार्ट हो जाएगी। कवाली होनी है, उसका सेटअप लग जी। तो गाइस काम कर करके हम थक गए थे, अब हम यूनिवर्सिटी के कैफ़े के अंदर जा रहे हैं। तो ये यहाँ का कैफ़े है, कैफ़े चेक करवाते हैं। तब से हमने कुछ खाया ही नहीं, यकीन करें, सिर्फ कॉफ़ी पी है, सुबह कुछ नहीं खाया हमने। तो अंदर चलते हैं फिर आपको दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग जब यहाँ पे आए हैं और हमने यहाँ पे देखा है आके, तो यहाँ पे टेबल पे आपको आपने ऑर्डर देना और ये आपको लाके ऑर्डर देंगे। और काफ़ी एक अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा है BNU का, हमें बड़ी ही सेटिस्फेक्शन हुई है यार। गोल्डन ब्रो, गोल्डन। और ये सारा कैफेटेरिया है BNU का, मैं आपको ये कैफेटेरिया है इनका। यहाँ पे सामने लाइव किचन है, चाइनीज़ और देसी यहाँ पे आपको मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे बर्गर शवारमा वगैरह मिलेंगे और सामने आपको मज़े का है और बहुत ही अच्छा प्रोटोकॉल है, बहुत ही चैम्पियंस है, मज़ा आ गया जी। तो गाइस हमने यहाँ पे चिकन चिली ड्राई ऑर्डर किया था और हमने इनसे पूछा था कि आपका क्या स्पेशल है, तो उन्होंने कहा था कि हमारा चिकन जो चाइनीज़ है ना वो हमारा स्पेशल है, अब वो ट्राई करें। सो हमने ये ऑर्डर किया है, अब ये खा के चेक करते हैं और देखते हैं कैसा है। देखने में तो मज़े का लग रहा है, फ्रेश है क्योंकि लाइव अभी तैयार हुआ है, तो अभी खा के चेक करते हैं कि ये कैसा है और फिर आपको बताते हैं कि बिकन हाउस का खाना किस लेवल का और कैसा है। साथ हमने दो ड्रिंक्स ऑर्डर किए हैं और ये सारा BNU का कैफ़े का जो है व्यू है जी। तो गाइस क्वाली स्टार्ट हो रही है और अब आपको अंदर चल के दिखाते हैं कि यहाँ पे किस किस्म की क्वाली होती है। Oh,